कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी कश्मीर से, और कश्मीरी पीपल से पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी साहब के, जो वहां पे गए थे कश्मीर में, उस सब चीजों के बारे में। तो कश्मीरी लोग क्या कहते हैं, आइए मिलकर देखते हैं ये जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। मोदी जी आ रहे हैं परसों, जब अच्छी बात है, जाएंगे आप देखने? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे यार, क्या बात कर दी भाई। क्या सवाल किया मैंने? आप सवाल कर रहे हो, क्या सवाल किया मैंने? आप सवाल ये कर रहे हो कि मोदी जी आएगा आप जाएंगे, तो पूछा ना मैंने। जाना तो है ही है, उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। हम जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं मोदी जी से। आप बिल्कुल सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं भाई, वो तो है। और कौन सी डिमांड ऐसी जो पूरी नहीं करी यार? मोदी के पीछे जान दूंगे दे जान के भाई, मोदी के सब कुछ किया उन्हें, हिंदुस्तान को सब लॉकडाउन में बचाया सब। उसको चलने से क्या पूरा जम्मू कश्मीर चल सकता है? उसका पूरा हिंदुस्तान देखना है, उसको एक पंचायत या एक आदमी नहीं देखना। तो उसको बोलो जम्मू कश्मीर तो देखो जिनको ज्यादा सख्ती है। हमारे कश्मीर में शांति बने रहे, बस ये चाहते हैं। अभी है शांति? अभी तो ठीक है, कभी कोई गलत नहीं करना चाहता है। अपोजिशन वाले तो हर वक्त बहुत इल्जाम लगाते रहते हैं। श्रीनगर में भी हालात ठीक हो गए अब? हालात की नहीं, पेड़ तो हालात की वजह नहीं है। पेड़ तो ठीक होगा, पेड़ तो अलग है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे जम्मू हमारे एमए स्टेडियम में 20 फरवरी को, और सिक्योरिटी जो है बिल्कुल टाइट हो चुकी है। मैं एमए स्टेडियम के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारी जनता जो है वो कितनी एक्साइटेड है, और मोदी जी को देखने के लिए कौन कौन जाने वाला है, आइए चलिए जनता से ही पूछते हैं। मोदी साहब के लिए तो आए हम किश्तवाड़ से। सही में? हाँ, सिर्फ उनके लिए आए हो? मोदी जी के लिए, उनको देखने के लिए? हाँ, उनके देखने के लिए। ऐसा क्यों? अब मोदी ने अच्छे अच्छे काम किया इसलिए तो आना पड़ा ना। लोग कहीं बोलते नहीं, इतने भी कोई तो पर पता नहीं वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं। जितना जितना हो सके मोदी ने बहुत अच्छा काम किया और हमारी पसंद का काम किया मोदी साहब ने। तो इस बार क्या लगता है मोदी जी आएंगे तो क्या देकर जाएंगे? तो मोदी जी का उम्मीद है कि इस बार अगर आया मोदी जी तो शायद गरीबों का भला हो जाएगा, बहुत अच्छा भला हो जाएगा। मोदी सही 500 साल पुराना काम किया उसने, कोई आए प्रधानमंत्री को किया किसने? बैटरी वाली गाड़ी लगाई, सब कुछ लगाया, मोदी है, मोदी सही है, मोदी हर हर मोदी कर कर मोदी। मोदी जी आ रहे हैं परसों, आ रहे मोदी परसों। जा रहे हो देखने हमें स्टेडियम? जाना के लगता इस बार आने मोदी जी के देख दिए जाग दे जाग मोदी ने के देना नहीं देना क्यों जो देना आए देना आएगा मोदी वोट देके मोदी देखे सब कुछ सही कर रहा मोदी और क्या करेगा जानता हो जाइए केट पापा को सब कुछ दे रहा मोदी क्या देगा उनके अभी आ रहा है तो आप जाओगे मैं पहले जाऊंगा क्यों नहीं जाऊंगा पहली टिकट मेरी आएगी एमए स्टेडियम में हाँ जाऊंगा ना मैं छुट्टी मारूंगा काम करता हूँ मैं मोदी के पीछे जान दूंगा भाई मोदी के सब कुछ किया उन्हें हिंदुस्तान को सब लॉकडाउन में बचाया सब कुछ बचाया गरीबों में मदद की क्या सब कुछ दे रहा मोदी है ऐसे थोड़ी मोदी बैठा के सब कुछ दे रहा मोदी को हम बोला मोदी 500 साल पुराना काम किया मोदी ने एक डिमांड हो जो मोदी जी पूरी कर दे आपकी तो क्या मांगोगे हमें ये मोदी रहे बस मोदी रहे बस बस और कोई नहीं और कुछ नहीं और कुछ कोई डिमांड नहीं है मोदी डिमांड नहीं प्रधानमंत्री जी बस मोदी ऐसा क्यों भला मोदी है तो ऑल इंडिया है सीधा पंजाब तो आए वीरे अच्छा पंजाब तो चलो ठीक है पंजाब तो केड़ा फेवरेट लीडर चला है पंजाब च मोदी मोदी चला है भगवंत मान भगवंत मान काम ही नहीं कर रहे नहीं कर रहे मोदी जी का वेलकम तो क्या लगता है इस बार क्या देख कर जाएंगे क्या स्पेशल होगा सब कुछ दिया और क्या चाहिए हमें सब कुछ दिया जी एंड को इन्होंने अगर एक कोई डिमांड हो ऐसी जो मोदी जी पूरी कर दे तो क्या मांगोगे सारी डिमांड पूरी होगी और कुछ नहीं ओ कुछ नहीं रहा कुछ नहीं रहा स्टेटहुड नो ये अच्छा यूटीआई अच्छी है क्यों सारे सुधर गया ना एम्प्लॉइज खासकर मोदी जी आ रहे हैं परसों जब अच्छी बात है जाएंगे आप देखने हाँ बिल्कुल जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे यार क्या बात कर दी भाई अगर कोई आपकी एक डिमांड ऐसी हो जो मोदी जी पूरी कर दे तो क्या मांगोगे सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं भाई वो तो है और कौन सी डिमांड ऐसी जो पूरी नहीं करी यार और सारी डिमांडें पूरी सारी पूरी हो रही है सारी उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं मोदी जी साहब से बिल्कुल अगर आपकी कोई एक डिमांड हो जो मोदी जी ऐसी पूरी कर दे तो क्या मांगोगे उनसे हम मांगेंगे स्टेटहुड दे दो वापस स्टेटहुड चाहिए क्यों चाहिए स्टेटहुड ये जम्मू वालों को और कश्मीर वालों को यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है बेरोजगारी बहुत है बेरोजगारी बढ़ गई जो भी
अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बाहर स्टेटों के लड़के लग रहे हैं, यहाँ के बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। जाना भरावा जाना की नहीं है, क्या करना चाहिए? करना के जाना लोग जाते अस भी जाना, मोदी ही दिखना, मोदी दिखने जाना है। तुंदी कोई डिमांड हो जी मोदी जी पूरी करी ओड़न? ते के डिमांड सारी है पूरी है, सबकी डिमांड पूरी ऑलरेडी, कुछ नहीं मांग रहा। रब ही दे यार, रोड़ी ने के करना है? रब ही दे, मार्केट जीरो मोदी हीरो, पैसों की कोई कमी नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। आपकी सेवा रब की सेवा मिलेगा मेवा। क्या ऐसा क्या मांगोगे उनसे? कोई भी कुछ भी पूरा कर दे जो आपका दिल करे, क्या मांगोगे? बस हमारे कश्मीर में शांति बने रहे, बस ये चाहते हैं। अभी है शांति? अभी तो ठीक है, तो वैसा ही रहे। मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फुल सपोर्ट। अगर अगर कोई आपकी एक ऐसी डिमांड हो, कोई दिल की चाहत हो जो मोदी जी पूरी कर दे, कुछ भी मांग सकते हो, तो क्या मांगोगे? मैं यही मांगूंगा, गरीब नहीं होना चाहिए जो रोड साइड बैठे हैं। गरीब नहीं होना चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, रोड साइड जो बैठे हैं उनको खाना मिलना चाहिए। मोदी जी क्या कहते हैं, ठीक काम कर रहे हैं? हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ओपोजिशन पार्टी तो बोलती है कि नहीं ये लूट के खा गया। देखो जी एक चीज है कि अपोजिशन वाले तो बताते रहते हैं उनको अपने उनको अपना क्या कहते हैं चाहिए। हाँ वो भी सोचते हैं कि चलो मोदी की जगह हम होते तो हम अपना बेनिफिट लेते, तो मोदी वक्ती मौके का वक्ती तौर कोई भी जो भी अगर आता है वो हमेशा सोच समझ के आता है, कभी कोई गलत नहीं करना चाहता है। कर लिया अपोजिशन वाले तो हर वक्त वो तो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। वेलकम करते हैं हम मोदी जी का। ये ऐसा सवाल पैदा ही नहीं हो सकता जो आप सवाल कर रहे हैं कि वो आएंगे तो आप नहीं जाएं। ये आप ये सवाल ही नहीं हो सकता है, वो आएंगे हम जाएंगे। जो उन्होंने काम किया, बेहतरीन काम किया, पूरे देश में काम किया और पंचायत सतह पे उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे हमारी पंचायतें में पंच हूं, पंच के नाते से उन्होंने जो हमें दिया वो काबिले तारीफ है। नाम क्या आपका? मेरा नाम है शकील अहमद। शकील जी गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं है, आप सवाल ऐसा ही कर रहे क्या हो। क्या सवाल किया मैंने? आप सवाल कर रहे हो क्या सवाल किया मैंने? आप सवाल ये कर रहे हो कि मोदी जी आएगा आप जाएंगे, तो पूछा ना मैंने। जाना तो है ही है, उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। हम जाएंगे, बड़ी खुशी से जाएंगे, उनका वेलकम करते हैं हम, हमारा प्रधानमंत्री है। नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाना है? उसने क्या किया हमारे? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या क्या मतलब ये इधर शकील साहब इधर अरे अरे शकील साहब ये बोल रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, किया कुछ उन्होंने? नहीं कुछ भी नहीं। देखिए ये एक अपना अपना मिशन होता है, जैसे मैं पंच के नाते से नहीं वो नहीं नाता नहीं ये बोल रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, बोल रहे सब कुछ किया। नहीं 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 उन्होंने हमारी पंचायतों में किया, अगर इनके नहीं किया काम डिफरेंट मैटर। जम्मू में 10 दुकानों से चलने से क्या पूरा जम्मू चल सकता है? नहीं ये बात सही बात है, उसको हमारे चलने से क्या पूरा जम्मू कश्मीर चल सकता है? उसको पूरा हिंदुस्तान देखना है, उसको एक पंचायत या एक आदमी नहीं। फिलहाल तो उसको बोलो जम्मू कश्मीर तो देखो, जिनको ज्यादा सख्ती है, जिनको हर चीज की परेशानी है, हर अस्पतालों में परेशानियां, सड़कों पे परेशानियां, हर जगह परेशानी। शकील साहब जवाब दो। देखिए उनके पास 29 जो 29 स्टेटें हैं वो सब बराबर हैं, उनके पास जितना भी है, चाहे जम्मू कश्मीर को देखेंगे कोई भी स्टेट ले लो उनके पास बराबर है। कहाँ बराबर है? एक एक जम्मू वालों से पूछ लो, कश्मीर वालों से पूछ लो। आप कहाँ के सर? मैं श्रीनगर का हूँ। अच्छा देखिए लीडर बनना आसान होता है, लीडर को मेंटेन करना, पूरे जम्मू कश्मीर को देखना या पूरी स्टेटों को देखना वही वो तो काबिले तारीफ होता है। वही तो देखना है ना, उनको देखना ही था। आपके हिसाब से मोदी जी ने कुछ नहीं किया? अभी अभी तक कुछ नहीं किया, अब उससे आगे क्या पता है? अभी कल आ जाएंगे जम्मू। नहीं लोग तो बाकी तो कहते हैं कि श्रीनगर में भी हालात ठीक हो गए। अब हालात की नहीं, पेड़ तो हालात की वजह नहीं है। पेड़ तो ठीक होगा, पेड़ तो अलग है, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, इनका भी परिवार है, ठीक वो अलग बात है। हालात तो होने चाहिए सही, वो बात तो सही है, हालात ठीक हो गए, लेकिन सब उनके पेड़ तो ठीक नहीं हुए ना। तो भाई जम्मू की जनता तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मोदी जी के आने पर, आप एक्साइटेड हो या नहीं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ज़्यादा लोगों की तो कोई डिमांड सुनने में नहीं आई, हाँ स्टेटहुड की डिमांड जो है वो ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। आपकी क्या डिमांड है कमेंट सेक्शन में बताना। साइनिंग ऑफ ऑन आवर गाइस, कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी। जी तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था मोदी जी आ रहे हैं जम्मू, बल्कि वो आगे जा चुके हैं, वीडियो पुराना है लेकिन लोगों की राय जानना जरूरी थी। और लोग क्या कह रहे हैं कि जाएंगे हर हर मोदी घर घर मोदी, हर डिमांड तो पूरी है, मांगेंगे क्या मांगेंगे। ये भाई जगह है जहां पे देखा है लोगों ने कि उन्होंने कहा कि पहले से ही सारा कुछ कर रखा है मोदी जी ने और क्या मांगे, तो बस मोदी रहना चाहिए, मोदी रहेगा तो सब कुछ उनको पता है कि मिलता ही रहेगा। ये होता है एक आदमी की डिमांड सही थी, ये होता है विश्वास, ये होता है एतमाद लोगों का अपने लीडर पर कि वो कहते हैं कि हमारा लीडर रहे बस तो हमारा मुल्क सही चलता रहेगा, हमें रोजी रोजगार मिलता रहेगा। तो ये वो सारी चीजें, ये वो प्यार है मोदी के लिए
कि जो लोगों के मन में है, यहाँ वो कह सकते थे कि भाई मोदी आएगा, मैं क्यों जाऊँ अपनी दुकान बंद करके, मैं तो यहाँ जो कमाऊंगा वो खाऊंगा। ये सवाल अगर पाकिस्तान में पूछा जाता तो वो अक्सर लोग यही कहते हैं भाई मैं तो अपनी दुकान खोल के बैठा रहूंगा, मैं क्यों जाऊँ भाई। तो ये वो चीज है, लोग मोदी जी से प्यार करते हैं उनके कामों के लिए, जान देने के लिए परफॉर्मेंस पे बल पे आया भाई, वो भाई बहुत ही जज्बाती हो गया, जान दे दो मोदी के लिए। तो भाई आप जान ना दो भाई, काम करो तरीके से और मोदी अपने हिस्से का जो जिम्मेदारी है वो निभाओ, मोदी जी अपनी जिम्मेदारी को सपोर्ट करो, मोदी के लिए वोट करो, मोदी के लिए लोगों के लिए वोट दिलवाओ कि भाई यही हमारे मुल्क के लिए बेस्ट है। बिल्कुल यही चीज है कि ये चीज है कि देखिए कि वो अब जिसकी जुबान पे भी है ना, वो उसने यही कहा है कि भाई कोई चीज रहेगी हो तो हम मांगे ना, हर चीज तो मोदी जी ने, हर सहूलत तो मोदी जी ने दे दी, हर हमारी जो सोच थी जो वो सारी उम्मीदें तो वो मोदी जी पूरा उतरे हैं, खरे उतरे हैं, तो अब वो उनकी सोच से बढ़ के उनको दे रहे हैं, तो वो भाई मोदी जी के गुण गाएंगे ही। जैसे देखिए हर आदमी कह रहा है कि भाई हमें सिर्फ मोदी चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये डायलॉग जो है ये तो वो है ना वायरल हो गया कि भाई घर घर मोदी, हर हर मोदी। बिल्कुल जी, ये सारी चीजें आप देखे, डिमांड क्या होती है, सड़कें बना दें वो बन गई, घर बनवा दें वो बन रहे हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल, हर चीज बन गई, वो सारा कुछ तो हो रहा है, बिजली मिल रही है, इंटरनेट मिल रहा है, हर चीज जो है सुबह तक मिल रही है, तो भाई वो डिमांड क्या करेंगे, तो बिल्कुल पहले से मिल गया है जो उनके पास कभी नहीं था। बिल्कुल पहले अमनोमान सबसे बढ़कर जो है ना वो अमनोमान मिल गया, अब लोग कारोबार कर रहे हैं, तो उन्हें क्या चाहिए। और ये बहुत जम्मू में तो श्रीनगर से भी ज्यादा रश है, सही है, वहाँ बहुत ज्यादा, वहाँ पे देखिए वो श्रीनगर में भी आप बहुत ज्यादा उनके बाहर हो चुकी है, जम्मू में तो उससे ज्यादा रश है। श्रीनगर जो है उनका स्मार्ट सिटी बन चुका है, वहाँ लोग टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आगे गुलमर्ग और सोनमर्ग और ये वो रास्ते निकलते हैं, और जम्मू भी काफी आबादी वाला है, वहाँ पे गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, क्या बात है जी। बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, मजा आ गया देख के, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह।